चप्पल पहनकर वो जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागता है और दूध लाकर अपनी पत्नी को दे देता है ये दृश्य आज कोई पहली बार दिखाई नहीं दे रहा है सक्सेना निवास में ये आए दिन होने वाली घटना है घर के सभी सदस्यों की आदत है कि जिसके हाथ जो चप्पल लग जाए वो उसी चप्पल को पहनकर निकल जाता है घर के सदस्यों की इस आदत के कारण परेशानी तो लगभग सभी को होती थी लेकिन फिर भी कहते हैं ना दिल है वो लोग अपनी आदतों में कोई सुधार कर ही नहीं पा रहे थे कुछ दिन के बाद देवर निकू की शादी वंदना नाम की लड़की के साथ हो जाती है और वंदना शादी करके सक्सेना निवास आ जाती है शादी के बाद अरे निकु, मेरी चप्पल कहा है अरे यार मुझे क्या पता तुम्हारी चप्पल कहा है रात को मैंने अपने रूम के बाहर ही रखी थी पता नहीं कहाँ चली गई अरे यार क्या अब सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ चप्पल ढूंढो अभियान चलाऊं? देखो मैं ये सब नहीं कर सकता बाद में भाभी मेरा मजाक उड़ाएंगी कि पत्नी आई नहीं कि मैं उसके लिए पूरे घर में चप्पल ढूंढता घूम रहा हूँ तुम अपनी चप्पल बाहर हॉल में देख लो वहीं कहीं होगी किसी ने पहन ली होगी और कहाँ चली जाएगी अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ पूछ कर देखती हूँ शायद गलती से माँ जी ने पहन ली हो वंदना अपनी सास के पास जाती है मम्मी जी रात को मैंने एक ब्लैक कलर की स्लीपर रखी हुई थी मेरे कमरे के बाहर आपने कहीं देखी है क्या पता नहीं मिल नहीं रही है अरे काला रंग की नई सी चप्पल की बात कर रही है ना जिसके ऊपर पिंक कलर के फूल बने हुए थे हाँ वही वही आपने देखी है कहा है अरे वो चप्पल तो मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी बहू को पहने हुए देखा था तू जा उससे पूछ ले वंदना जिठानी के कमरे में जाती है भाभी मेरी ब्लैक कलर की चप्पल रात को मेरे रूम के बाहर रखी हुई थी आपने कहीं देखी है क्या मैंने तो खुद तुम्हारे भैया की चप्पल पहन रखी है वंदना

अरे देख मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया अपनी चप्पल ढूंढ रहे होंगे उन्हें अपनी नहीं मिली ना तो वो ही तुम्हारी चप्पल पहन कर निकल गए होंगे अरे भाभी भैया को अपनी चप्पल चप्पल मिलती कैसे उनकी आपने जो पहन रखी है आप तो रहो देवर जी पिछली बार ना मेरी चप्पल आपके रूम में ही मिली थी बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप तो कभी किसी और की चप्पल पहनते ही नहीं हो अरे ये क्या इसकी चप्पल उसके पास उसकी चप्पल इसके पास चल रहा है यहाँ आप सब लोग अपनी अपनी चप्पल नहीं पहन सकते क्या देख छोटी बहू इस घर में ना मेरा तेरा करने का कोई चलन नहीं है यहाँ पर जो है वो सबका है इसलिए तेरे मेरे की बात आगे से ना मेरे घर में तो करना ही मत। और हाँ पैर में पहनने की चप्पल ही तो है चाहे जिसकी पहन लो उस पर कोई नाम तो लिखा नहीं रहता कि तेरी या, मेरी या। अरे मम्मी जी लेकिन अरे लेकिन मैं कुछ नहीं देख रहे पिछले आधे घंटे से पूरा घर सर पर उठा रखा है तूने मेरी चप्पल मेरी चप्पल करके अरे जैसे तेरी चप्पल कोई और पहन गया तो तुझे जिसकी मिले तो उसकी पहन ले इसमें इतना हल्ला करने की क्या बात है इसमें हल्ला वाली क्या बात हो गई मेरा पैर इतना बड़ा है कि मेरे पैरों में आपके पूरे परिवार में से किसी की भी चप्पल नहीं आने वाली आप कहे तो मैं पहन कर दिखा दूं? अरे आप तेरे पैरों का नाप इतना बेढंगा है तो इसमें किसी और की क्या गलती है भाई जिसने तेरी चप्पल पहनी उसने यही सोच कर पहनी होगी ना तुझे किसी और की चप्पल नहीं आएगी वो तो घर में सबकी आदत है कि जो चप्पल हाथ में आती है वही पहन कर निकल जाते हैं और कहीं दूर नहीं गया होगा बड़ा छत तक ही गया होगा टहलने अभी आता ही होगा पांच मिनट रुक जा और वैसे भी मैंने सुबह ही पुष्पा से पूरे घर की रगड़ रगड़ कर सफाई करवाई है जमीन में पैर रखने से तेरे पैर मैले नहीं हो जाएंगे <laughs> थोड़ी देर भी बिना चप्पल के नहीं रह सकती मम्मी जी बात मैले की नहीं है मुझे स्किन एलर्जी है नंगे पैर रहने से मेरी एडिया फट जाती है इसलिए मैं चप्पल के बिना नहीं रह सकती अपनी चप्पल की तलाश में बेचारी वंदना एक कमरे से दूसरे कमरे दूसरे कमरे से छत छत से फिर आंगन <laughs> सब जगह छान मारती है अंत में उसे उसकी चप्पल गार्डन में पड़ी हुई दिखाई देती है हाथ क्या लोग है इस घर की चलो मान लिया किसी ने गलती से मेरी चप्पल पहन भी ली होगी लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए कि आखिर किसने और कहां उतार कर रखी है किसी की भी चप्पल पहन कर निकल जाओ और फिर जिसकी चप्पल है वो पागल की तरफ पूरे घर में ढूंढता फिरे पता नहीं कहाँ की समझदारी है ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे परिवार में शादी होगी मेरी दो दिन बाद अरे वंदना कितना मेकअप करोगी हम सिर्फ मूवी देखने जा रहे हैं तुम्हारा मेकअप वहाँ कोई नहीं देखने वाला तुमसे किसने कहा कि मैं मेकअप कर रही हूँ मैं तो कब की तैयार हो चुकी हूँ अरे तो बाबा चलो ना पिक्चर खत्म हो जाएगी तब निकलोगी क्या अरे तो चप्पल तो तो भी मेरे कमरे के अंदर रखी हुई मेरी सैंडल यहाँ से कब और कौन निकाल कर ले गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते अरे यार कोई जरूरी है कि तुम हिल पहन कर ही जाओगी कोई और चप्पल नहीं पहन सकती

अगर दो मिनट के लिए भी वंदना अपनी चप्पल उतार देती तो नीतू और अरुणा घूम फिर कर उसकी ही चप्पल पहन लेते फिर बेचारी वंदना को चप्पल लेने के लिए उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता बुरा मत मानना निकू लेकिन तुम्हारे परिवार में लोग हैं बड़े बेशन अरे मैंने खुलकर मुंह पर कह दिया कि मेरी चप्पल कोई मत पहना करो लेकिन उसकी बात भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आता मेरी चप्पल में ऐसा क्या है जो सबको मेरी ही चप्पल चाहिए होती है

जिठानी और सास दोनों के लिए एक-एक जोड़ी चप्पल खरीद कर लाती है और उन्हें गिफ्ट कर देती है अब वंदना को पूरा विश्वास था कि कम से कम अब तो कोई भी उसकी चप्पल को हाथ नहीं लगाएगा लेकिन अगले दिन सुबह फिर से स्थिति जस की तस उसके सामने खड़ी थी उसकी चप्पल फिर से गायब हो गई थी बस फिर क्या था वंदना को सबक मिल गया था कि सक्सेना निवास में अपना जीवन सुखमय बनाना है तो चप्पल की इस युद्ध से उसे आई क्विट कहकर बाहर आना ही होगा बस उसी दिन से उस बेचारी ने पैरों में चप्पल पहनना बंद कर दिया था उसकी जगह वो हर समय मोजे पहनकर घूमने लगती है